आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता का बिल्कुल ही नए तरीके से नाश्ता, जो फ्रेंड्स सभी को ये पसंद आएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो ये बहुत ही कम समय में झटपट ये रेडी हो जाता है बनकर। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं रेसिपी को, तो यहाँ पर मैंने 1 कप पास्ता लिया है, इसे मैं सबसे पहले बॉयल कर लूँगी। तो इसके लिए मैं पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो मैंने पास्ता को इसमें डाल दिया है, और ये देखिए अच्छे से ये बॉयल हो गया है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, तो इसे मैं मिक्सी जार में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है और इसमें मैंने आधा गिलास दूध डाला है पीसने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। बिल्कुल इसी तरह से इसका पेस्ट रेडी करना है। तो इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पर एक प्याज टमाटर को मैंने बारीक टुकड़ों में काट के डाला है, और यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक टुकड़ों में काट के डाला है, और एक शिमला मिर्च को मैंने इसमें बारीक टुकड़ों में काट के डाला है, और यहाँ पर मैंने एक हरा मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट के डाला है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वह हरा मिर्च को आप हटा दें, इसके जगह आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। तो आधा चम्मच मैंने इसमें गोलकी का पाउडर डाला है, और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है, और टेस्ट के लिए मैंने इसमें भुंजा हुआ मसाला डाला है। आप चाहे तो अगर पिज्ज़ा का मसाला घर में पड़ा हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। ये बिल्कुल ये रेडी हो गया है। इसे साइड में मैं रख देती हूँ और गैस पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल इस तरह से डालकर फैला देती हूँ, इससे मिश्रण डालने वक्त वो उलटने पलटने में चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने मिश्रण को डाल दिया है और इसे फैला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे फैला दिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पकने देती हूँ। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गया है, तो इसे डायरेक्ट में मैं नहीं पलटूँगी। थोड़ा सा मैं छुलनी से चारों तरफ से इस तरह से घुमा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। अगर छुलनी से पलटूँगी तो ये टूट सकता है। फिर से मैं पैन में थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ और इसे दूसरे साइड पलट देती हूँ, और दूसरे साइड भी इसे 10 मिनट के लिए पकने देती हूँ। यहाँ पर भी मैंने गैस को कम ही रखा है, तो दोनों साइड ये अच्छे से पक गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये पैन छोड़ दिया है। तो गैस को अब मैं बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो बच्चों को छोटे मोटे भूख हो या तो कुछ नया आपको खाने का मन करे, तो मेरी इस रेसिपी को घर पर मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल ही आपको पिज़्ज़ा की तरह आएगा। जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट है। तो एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ।